दोस्तों, यदि आप एक YouTube वीडियो क्रिएटर हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक YouTube वीडियो के लिए उसकी वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा उसकी ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। यदि YouTube की वीडियो क्वालिटी ख़राब है तो लोग उसको लो क्वालिटी में देख सकते हैं, लेकिन यदि उसकी ऑडियो ही ख़राब है तो लोग उसको पूरा नहीं देखते, उसको बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं, जिसके कारण उस YouTube वीडियो का पूरा इंप्रेशन डाउन हो जाता है और वो वीडियो रैंक नहीं कर पाती है। आज तक यही मेरे साथ भी होता आ रहा था। दोस्तों, ये जो वीडियो शूट हो रही है मेरे कैमरे के बाय डिफ़ॉल्ट माइक से शूट हो रही है, और आज तक मेरी जितनी भी वीडियो आई थी वो मेरे कैमरे के बाय डिफ़ॉल्ट माइक से शूट हुई थी। दोस्तों, इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए मैंने भी एक माइक परचेस कर लिया है। दोस्तों, ये काफ़ी पॉपुलर माइक है जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स यूज करते हैं। इस माइक का नाम है बोया का BY-M1 माइक। तो दोस्तों, आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इसकी ऑडियो टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। अभी तक मैंने सुना था, इसे अभी यूज नहीं करा है, तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के बाद चलिए इसकी क्वालिटी टेस्ट करके बताते हैं क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं भी इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने पहली बार ही इसे ख़रीदा है, तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। दोस्तों, पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस बार की पैकेजिंग मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि जब मैंने पिछली बार फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तो उन्होंने प्रोडक्ट को केवल एक पन्नी में पैक करके भेज दिया था, जो कि एक कागज़ की पन्नी थी जो आते समय ही फट गई थी, जिसके कारण इस बार की पैकेजिंग है जो मुझे काफ़ी पसंद आई। तो चलिए सबसे पहले हम बॉक्स कॉन्टेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट साइड में ऑर्डर डिटेल्स दिया गया है, जहाँ पर मेरा नाम एड्रेस वगैरह दिया गया है, और बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में कुछ नहीं दिया गया है, और लेफ़्ट और राइट साइड में भी कुछ नहीं दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसके टेप को काटते हैं और काट के देखते हैं अंदर क्या निकलता है। तो चलिए सबसे पहले हम टेप को काट लेते हैं। टेप काटने के बाद अंदर एक और बॉक्स निकलता है, जो कि बोया BY-M1 माइक का बॉक्स है। यहाँ पर ऊपर बोया का लोगो दिया गया है और एक बोया BY-M1 माइक का यहाँ पर फोटो भी दिया गया है। दोस्तों, बोया BY-M1 माइक का स्मार्टफोन, टैबलेट और PC और DSLR कैमरे सब में काम करता है। दोस्तों, यदि मैं इसके बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पर फीचर्स लिखा गया है, और उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया गया है, और नीचे की तरफ यहाँ पर जो इम्पोर्टर है और जो एक्सपोर्टर है उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है चाइना में, और इसके जो इम्पोर्टर है उनका यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स वगैरह सब दिया गया है। तो और लेफ़्ट और राइट साइड की यहाँ पर मैं बात करूँ तो लेफ़्ट साइड में भी यहाँ पर बोया का लोगो दिया गया है, और राइट साइड में भी वही है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसे ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद देखते हैं कि क्या क्या इसमें से निकलता है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको एक पाउच देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक लेदर का पाउच है, जिसमें आप बोया BY-M1 माइक को रख के कैरी कर सकते हैं, और इस पर एक बीच में लोगो भी बना हुआ है। और उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको एक सिलिका जेल भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सारे प्रोडक्ट में आता है, जो जिसको खाना नहीं चाहिए। दोस्तों, बेसिकली ये इसलिए डाला जाता है ताकि प्रोडक्ट ख़राब ना हो, इसे फेंक देना चाहिए। इस पर लिखा हुआ है सिलिका जेल थ्रू अवे डू नॉट ईट। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद आपको एक वारंटी कार्ड भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आपको एक यूजर मैनुअल भी देखने के लिए मिल जाता है, कैसे आप इसे बोया BY-M1 माइक को ऑपरेट कर सकते हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको एक इसका टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जब इसे टेस्ट किया गया था फैक्ट्री में, तब ये सर्टिफिकेट उसमें डाला गया था, छोटा सा, ये छोटू सा दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक अडेप्टर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि DSLR में आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन में इसका कोई काम नहीं है, तो इसको रखता हूं मैं साइड में। उसके बाद इसमें आपको एक बैटरी भी देखने के लिए मिल जाती है। जब इसे आप DSLR से कनेक्ट करते हैं तो आपको इसमें बैटरी लगाना पड़ता है, बिना बैटरी के माइक्रोफोन काम नहीं करेगा। जब आप इसे DSLR से कनेक्ट करते हैं तो आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो अगर आप इसे स्मार्टफोन में यूज करते हैं तो आप बिना बैटरी के यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए बाकी सारे और बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं। और यहाँ पर एक पॉप फिल्टर भी देखने के लिए मिल जाता है, आप इसे विंड सील भी कह सकते हैं, जो कि हवा को जाने से रोकता है और नॉइज कैंसिलेशन में काम करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर माइक का पूरा सेटअप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक कंडेंसर दिया गया है, जो कि माइक में ही कनेक्ट होता है, आप इसको यहाँ से खोल करके इसमें बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक क्लिप भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसको लगाने के बाद आप अपने कपड़े में कहीं भी इसे लगा सकते हैं, जिसके बाद आप ऑडियो को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं इसे फंसा करके।
तो दोस्तों ये था बॉक्स कंटेंट। तो चलिए सबसे पहले इसे पूरा सेटअप करते हैं और सेटअप करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अभी तक आप ये जो आवाज़ सुन रहे थे ये कैमरे के बाय डिफ़ॉल्ट माइक से शूट हो रहा था। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों ये जो अभी वीडियो शूट हो रही है ये मेरे कैमरे के बाय डिफ़ॉल्ट माइक से शूट हो रही है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी इसकी वॉइस की क्वालिटी ऐसी है, बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग सुन सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। चलिए मैं स्विच करता हूँ अपने इस बोया BY-M1 माइक को, तो आप लोग इसकी क्वालिटी देखिएगा कैसी आ रही है। दोस्तों ये जो आप लोग ऑडियो सुन रहे हो ये BY-M1 माइक से शूट हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, पहले कैसी आ रही थी अब कैसी आ रही है। दोस्तों बैकग्राउंड में नॉइज़ भी आप लोग सुन सकते हो कैसी आ रही है। दोस्तों BY-M1 माइक की ये खासियत है कि ये बैकग्राउंड में आने वाले मैक्सिमम नॉइज़ को ये रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण आपके बाहर जितनी भी नॉइज़ आ रही होगी वो कम हो जाएगी और आपकी जो एक्चुअल आवाज़ होगी वही रिकॉर्ड होगी। तो आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस माइक की क्वालिटी आपको कैसी लगी, क्या जो मेरे कैमरे का बाय डिफ़ॉल्ट माइक है वही सही था या फिर जो ये मैंने माइक स्विच किया है ये सही है। जो भी क्वालिटी आ रही हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो।